अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सो यस, आज है क्या है आज? आई डोंट नो आज क्या है, बट 16 है इतना मालूम है। एंड 16 के दिन आज हमें हॉल टिकट दिया जा रहा है, कल 17 के दिन एग्ज़ाम है। बट एक दिन पहले हॉल टिकट क्यों दे रहे? बहुत ज़्यादा डिले हो गया, 15 को देना चाहिए था। स्टिल एनीवेज नो प्रॉब्लम, अभी हम जाते हैं कॉलेज, देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल रहता है, क्या है। एंड आई एम ऑल रेडी, जैसे कि आपने देखा। सो यस, लेट्स गो। कॉलेज पहुंचने के बाद थोड़ा टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया, फिर उसके बाद 10 बजे हॉल टिकट लेने के लिए अपनी लाइन में लग गए। कुछ हाफ एन आवर लगा है हॉल टिकट मिलने के लिए। उसके बाद आईडी कार्ड भी मैंडेटरी होता है, तो फिर आईडी कार्ड के लिए हम लोग को 10:30 से लेकर पूरे 12 बज गए थे। आईडी कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा देर हुई, फिर मैं घर वापस आ गई। 3:30-4 बजे तक उठने वाले हैं। हाँ, तहज्जुद है हमारी। अब सो जाने वाले हैं। उठते रहते वीडियो में खाना खा लेके सो जाती हूँ। मेरे पैर गनेटा हो गए, गनेटा सुबह से लेके तो मैं खाना खा लेके बिस्तर डाल के लेटती हूँ ना, तो आधा घंटा मेरे पैर दबा ऐसा। चलो सो यस, लास्ट क्लिप कुछ ज़्यादा ही फनी हो गई थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से उठी हुई थी और 12 बजे तक कॉलेज में बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। उसके बाद हॉल टिकट आईडी कार्ड लेने के लिए लाइन में बने रहना, और आईडी कार्ड के लिए तो मैं तकरीबन 1.5 घंटा लाइन में बनी थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। जैसे ही कॉलेज से आई, अब्बू के साथ हम्माद को लेकर हॉस्पिटल गई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिर उसके बाद वहाँ से बैंक गई, तो घर आए तक 6 बज गए थे। तो 6 बजे मैं लंच करी थी उस दिन, तो बहुत ज़्यादा पेन था मेरे लेग्स में। और ये क्लिप है कुछ नेक्स्ट डे की इवनिंग की, और हम लोग अब्बू के साथ जा रहे हैं, मैं अम्मी बाहर ऐसे ही घूमने के लिए। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। सो यू स्टे विद मी। यहाँ टोली चौकी के करीब रास्ते में मेन रोड पे जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर अच्छे खासे टेबल्स, चेयर्स और स्टडी टेबल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, मुझे बहुत टाइम से स्टडी टेबल चाहिए था, छोटा वाला ही एटलीस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग वो चेक कर रहे हैं कि वो कितने में मिलेगा। वाइट घोड़ा, वाइट घोड़ा बोल रही ना उन्हें। हाँ, यहाँ है वाइट घोड़ा। वाइट घोड़ा है ना।
कल आता है ये सही। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, ये है वो पार्क मलकम चेरोवो, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, और अब्बू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि आपने देखा कि मरियम की ख्वाहिश थी हमेशा कि वाइट हॉर्स पे बैठना है, तो इंशाल्लाह हम कल दोबारा आएंगे यहाँ पर और पूरा एक्सप्लोर करके मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि दिन के टाइम पे ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। और स्टॉल्स भी आप लोग देख ले, बहुत अच्छे हैं, और पूरे स्टॉल्स में नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे शेयर करूंगी। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। साथ ही साथ वापसी घर जाने के टाइम पर एक और जगह पर हम लोग टेबल्स देखने के लिए रुक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल रहे हैं, इसलिए एक से दो जगह पे हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। यही तक था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।